अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हर मंगलवार को जनसुनवाई करती है, जहां पर जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो अपनी कोई ना कोई परेशानी को लेकर आते हैं, जिसकी सुनवाई यहां पर 2 घंटे 10:30 से 12:30 के बीच में की जाती है। ऐसी ही जो जनसुनवाई आज चल रही है उसकी पड़ताल करने हम आए हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर अजमेर की जनता या इस जनसुनवाई में लेकर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है? सुनील जैन। सुनील जी, ये बताइए कि क्या समस्या लेकर आज आप जनसुनवाई में आए हैं? मैंने नया कनेक्शन लिया था 2017 जुलाई में, तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी टैक्स काट दिया था, फिर एक नया सर्कुलर निकाल के GST फिर काट दिया, 603 रुपये लगा दिए उसमें। तो उसके लिए, उसके प्रोटेस्ट के लिए मैंने आज जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया। फिर क्या कुछ कहा उन्होंने अंदर आपसे, क्या कहा कि ये गलत है या सही है? नहीं, उन्होंने गलत सही का नहीं कहा, ये हायर लेवल पर एक मसला चल रहा है, तो अगले 1 महीने में मुझे जानकारी दे। बिलों में GST जुड़कर आ रहा है, उसका मसला? बिल में नहीं, जब नया कनेक्शन लिया था उसमें GST जुड़ के आ रहा है। अच्छा, उसमें GST जुड़ के आ रहा, तो उन्होंने कहा टैरिफ कंटेंट है वो। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में हाँ सॉर्ट आउट कर देंगे 1 महीने में, जैसे तो उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी तरह से। यहाँ पर और भी बहुत सारे उपभोक्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, जिनसे हम समस्याएं जान लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं वो जनसुनवाई में लेकर आए हैं। अच्छा भाऊ जी, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या हो, नाम क्या सबसे पहले बताइए। राधेश्याम सैन, एडवोकेट है। हाँ, बताइए क्या समस्या लेकर आए? तो इन्होंने क्या 2 साल का रिड्यूस करके मेरा मीटर बंद था, ख़राब भी नहीं था, तो उसको क्या कहे, इन्होंने 24,000 का बिल बना के भेज दिया था, तो मेरे लोक अदालत में मैंने केस किया था, तो लोक अदालत में कहा कि भाई जो भी नियमानुसार जो भी है इसको संशोधित कर नया बिल प्रेषित करें, तो उसके बाद इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, प्रेषित नहीं किया। उसके बाद में टाटा पावर को दे दिया साहब हमने, तो पावर, तो टाटा पावर के पास गए तो विपुल जी थे वहाँ पर कोई, तो उन्होंने कहा कि चलो यार वकील साहब आप क्यों लड़ते हो केस, मैंने कहा मैं भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, मेरे को तो बिजली चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ये आपका जो भी बकाया है ना, ये विवादित बिल को अलग कर देते हैं और इसको जो जितना ड्यू है ना वो आप जमा करा दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास रसीद है, ये सारा बिल है। उसके बाद फिर बिल वापिस कोई संशोधित नहीं होकर नहीं आया, फिर 50,000 का बिल भेज दिया, फिर मैंने 17,000 रुपये उन्होंने करके करा, तो मैंने 17,000 रुपये और जमा कराया। फिर अभी अप्रैल में मैंने वापस फिर 51,000 का बिल भेज दिया, फिर मैंने वो वहाँ से गया टाटा पावर, तो उन्होंने 3,000 रुपये जो इस महीने का बाकी था मेरा उन्होंने जमा कर लिया। अच्छा, ये घर का कनेक्शन ही होगा? घर का कनेक्शन है मेरा। तो ये मामला कब का है, ये जो बड़े हुए बिलों का आप बता रहे हैं? 2014-15 का था मामला। अच्छा। हाँ, तो वो कोर्ट में केस चला है, 17 मई ये हुआ, फिर अभी 51,000 का भेज दिया बिल, और 2 बार मेरा गलत कनेक्शन काट दिया, फिर मैं आया तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब गलती से हो गया, तो उसी दिन वापस मेरा कनेक्शन किया। अच्छा, हाँ, तो 14-15 में आपने केस किया, अब आप केस कब जीते हैं? 17 में जीत गए, फिर 18 में मैंने जो भी ड्यू पैसा था विवादित बिल को उन्होंने हटा दिया, विवादित बिल के अलावा मैंने जो भी ड्यू था मेरा वो मैंने जमा करा दिया। उसके बाद फिर बिल आया 51,000 का, तो वापिस उन्होंने कहा कि विवादित को तो हटाओ, जो अभी जो वापिस करंट में है, तो मैंने 17,000 रुपये वापिस जमा कराए हैं। अच्छा, मतलब अभी भी आपके पास गलत बिलिंग लगातार आ रही है? लगातार आ रही है, कोई संशोधन नहीं। और कल भी मेरी पत्नी और मेरा बच्चा गया तो उनको धमकी दी गई कनेक्शन काट दिया जाएगा, आप 51,000 रुपये जमा कराओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोर्ट ने आदेश क्या दिया? आदेश ये दिया कि भाई जो ये है कि इसमें जो रिड्यूस करके जो 5% लेस करके जो भी है, ये ऑर्डर की कॉपी है, मैंने पेश कर रखी है यहाँ पर सारी है। अच्छा, ये ऑर्डर कब आ चुका था, कौन सी तारीख से? और मैं आ गया था लेकिन फिर ये 18 तक करा ही नहीं। अच्छा, फिर 18 में इन्होंने वापस 51,000 का बिल भेज दिया, तो फिर मैंने सारा ड्यू विवादित बिल को हटा दिया टाटा पावर ने, फिर कहा कि ये जो ड्यू है आप जमा करा दो, मैं उनके कहने से जमा, और मेरा 2 बार गलत कनेक्शन काट दिया इन्होंने। गलत कनेक्शन काट दिया है, अन्याय कर रहे हैं। हाँ, गलत कनेक्शन काट दिया है बड़ी हुई बिल का। आप क्या समस्या लेके, नाम बताइए आपका? मेरा नाम सर सतीश कुमार शर्मा, मैं उसरी गेट नवाब के बेड़े से आया हूँ। हाँ। सर, ये हमेशा 2 साल का, सभी मेरे जैसे कितने भाई आए हुए हैं, ये ऑडिट का बिल 2-2 साल का ऐड करके भेज रहे हैं सर। अच्छा, पुराना बिल ऐड करके भेज रहे हैं ऐसा? हाँ, 2 साल का बोला आपका मीटर खराब था और ऑडिट चार्ज लगा के भेज रहे हैं सर। मीटर पहले आपका बंद था, उसका बिल अब आया आपके पास, ऐसा ही ना? नहीं, बिल तो हमेशा आ रहा है सर, टाइम पे मैं जमा कराता आ रहा हूँ सर, अब 2 साल का इन्होंने क्या चीज़ लगा के भेजा इसके बारे में सर हमें भी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, शिकायत आज देंगे आप अपनी। भाऊ जी, आप भी आए, कोई समस्या लेकर आए अपनी?
हैं, क्या हो गया आपके साथ, क्या समस्या हुई? मेरी समस्या ऐसा, मैं निगम का कर्मचारी हूँ, रिटायरमेंट हूँ अभी। अच्छा। और मैं सेवा नहीं तो न्यू हर्ष पहले मतलब मैंने केस लड़के में मैंने अपनी जीत हासिल करी और मेरे फेवर में हुआ केस। अच्छा, आप भी अदालत में गए थे? हाँ। क्या मामला लेके गए थे, क्या मामला हो गया था? एग्रीमेंट, मैं सीनियर आदमी था, मेरे को एग्रीमेंट कम दिया, जूनियर को एक ज़्यादा दे दिया। अच्छा, वो मामला लेके आए। हाँ। चलिए, तो आप कोर्ट का आदेश आप जीत गए कोर्ट में। हाँ, अब आए उसको लेकर। हाँ, मैं जीत गया 2017 में। चलिए, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं। अच्छा भाऊ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है और मैं 1.5 महीने से विद्युत कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहा हूँ मदार पावर हाउस के। अच्छा, कनेक्शन ही नहीं मिल रहा आपको? कनेक्शन नहीं मिल रहा है मेरे को, और वहाँ पर जो जयन के पद पर जो लगी हुई है पारुल मैडम जो लगी हुई है, उसका इतना रुकता व्यवहार है कि वो सामने वाले को इंसान नहीं समझती है, वो कुछ भी नहीं समझती है कि सामने वाला कौन है। अच्छा, अधिकारी मतलब सही से बात नहीं कर रहे हैं? सही से बात नहीं कर रहे हैं अपने आप को। वो ये कहती है जो कुछ हूँ मैं विद्युत अजमेर विद्युत वितरण निगम के हेड ऑफ इंचार्ज CMD में हूँ। अच्छा, मेरे अलावा कोई नहीं है मतलब, और 1.5 महीने से रोज चक्कर लगा रहा हूँ और कभी क्या कमी बताती है, मैंने सारी कमियां पूरी कर दी। मेरे प्लॉट के चारों तरफ पोल गड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने कंप्लीट, अब उसका रुका पुनः। उसके बाद जो अयन साहब से मैं मिला, अयन साहब को मैंने बोला कि जयन मैडम को कितने लाख रुपए चाहिए रिश्वत, मैं देने को तैयार हूँ, ये भी मेरा कनेक्शन क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मांगे कुछ रकम वकम? हाँ, उन्होंने उसका यही है उसका, 1.5 महीने से चक्कर लगवा रही है, इसका मतलब यही है उसका रुका व्यवहार, यही है कि बिना पैसे कनेक्शन नहीं करवाती है वो। उसी पूरी मदार पावर हाउस वाले पूरे सब लोग उसे परेशान है, तत्काल उसका वहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। सबसे पहले मेरी डिमांड यही है, मेरा कनेक्शन हो या मत हो, लेकिन उस लेडी को, जयन लेडी को तुरंत हटाना चाहिए। अच्छा, कनेक्शन के लिए आवेदन करे हुए आपको कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना हो गया मैंने वो। 1.5 महीना हो गया लेकिन आपको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला, जबकि मेरे आसपास सब जगह कनेक्शन है, 3 पेज के हैं और सिंगल पेज के हैं, चारों तरफ मेरे प्लॉट में चारों तरफ मेरे पोल गड़े हुए हैं, उसके बावजूद उसका लेडी का इतना रूखा व्यवहार है कि मतलब वो कनेक्शन देने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपका कनेक्शन घरेलू है या कमर्शियल है? मेरे को तो घरेलू दे या कमर्शियल किसी में भी दो, उसके मुझे वो चिंता नहीं है, लेकिन कनेक्शन दे तो सही ना, चाहे घरेलू दो चाहे ये दो। कौन से इलाके में आपने मांगा? पावर हाउस ज्ञानोदय नगर जो बना हुआ है, ये ज्ञानोदय नगर जो बना हुआ है ना वहाँ पर थोक तालियान के आगे, जहाँ पर कम से कम भी 500 कनेक्शन होंगे वहाँ पर, उसके बावजूद मेरा कनेक्शन नहीं दे रहे हैं वो। चलिए, यहाँ पे जनसुनवाई चल रही है और जनसुनवाई के दौरान जो उपभोक्ता हैं उनसे हम बातचीत करने आए थे कि आखिर क्या क्या समस्याएं इस समय AVVNL के सामने आ रही है, और उसी में से जो समस्याएं अभी तक जो हम उपभोक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और एक ये बड़ी समस्या विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उसको लेकर भी आई है कि कनेक्शन जो है वो समय पर नहीं दिया जाता है। ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं जिनको AVVNL द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट 2 घंटे में जो हर मंगलवार को जनसुनवाई की जा रही है उसके अंदर समाधान किया जा रहा है। टाटा पावर के अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। खैर, यहाँ पर जो जनसुनवाई है उस जनसुनवाई को जितने भी यहाँ पे उपभोक्ता हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, अंदर उनका क्या समाधान हो रहा है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यानी कि डॉक्टर डी के खन्ना कहते हैं। हाँ, आप बताइए क्या समस्या लाए हो? समस्या ऐसी है कि जनवरी के अंदर मेरे यानी घर के पास से रोड लाइट पे यानी कि जो तारे बिल्कुल जो अर्थिंग के नीचे दे रखी है वैसे यानी कि कहीं नीचे नहीं है, वो टूटी हुई तार पड़ी हुई है। जनवरी से मैंने शिफ्टिंग के लिए दे रखी है, आज तक का सवाल ही नहीं। अच्छा। हाँ। जनवरी में आपने शिकायत दी थी, आज तक हुई नहीं समाधान? नहीं, तो उसके बाद में यानी कि 4-5 दिन पहले मुझे यानी कहा आपकी शिकायत यानी कि क्या हुआ, मैं साहब अभी तक कोई आया नहीं, कब किस कौन सी शिकायत करे, 18 की 17 की 16 की कौन सी है? कल साहब यानी कि जनवरी की है, तो जनवरी की आज यानी जून में आप पूछ रहे हो मेरी शिकायत का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि यानी कि आप यानी कि यानी आपको तो हमें बता दो आप। मैंने कहा यानी कि आप कहाँ रहते हैं? मैं विवेकानंद कॉलोनी अजय नगर में रहता हूँ। तो उन्होंने फिर यानी मुझे ये इस पर यानी कि मैसेज दिया है कि आपकी यानी कि ये कैंसिल कर दी गई है, आपकी शिकायत रिजेक्ट कर दी। हाँ, इसमें मैसेज दे रखा है। अच्छा, दिखाइए मैसेज, दिखाइए हमको इसमें देखना। अच्छा, ये तो एयरटेल का मैसेज है आपके। अच्छा, मतलब मैसेज आया होगा आपके पास कि आपकी जो शिकायत थी वो यानी कि रिजेक्ट कर दी गई। अच्छा, जब जनवरी से पेंडिंग पड़ी रही है और अब यानी पूछ रहे हैं उसके बाद रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। अभी यानी इस टाइम यानी लू के थप्पड़े पड़ रहे हैं, वो स्पार्किंग ले रही है, वो अलग से हो रही है। और दूसरा जो सही है विवेक अपने हाउसिंग बोर्ड में एक यानी कि मकान के पास पोल से लेकर दूसरे की सर्विस पे यानी कि सर्विस लाइन दे रखी है, उसके अंदर ऐसे कनेक्शन दे रखे हैं। अब ये देखो
अब ये पोल है। देखिए बाबूजी एक डायग्राम बना के लाए, मैं डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ किस तरह। हाँ बाबूजी अब समझाओ क्या है ये पोल है। इस पोल का यानी पास में गली है, इस गली में मेरा मकान है। ये पहले तो मेरा यानी कि सिंगल स्टोरी था, मैं इसको बनाना चाह रहा था, इसके ऊपर सर्विस लाइन दे रखी दूसरे मकान पड़ोसियों को। अब ये यानी कि हटाने के लिए यानी कि हाथीबाग अपने हजारीबाग वालों को दे दिया कि हमने देख लेंगे जो आपको एस्टीमेट देने पड़े। हमें एस्टीमेट किस बात के लिए, हमारी छत के ऊपर से एक आपने गलत दे रखा है और दोबारा वैसे करे। और ये देखो ये रोड जा रहा है सीधा, इस रोड की जगह है नहीं कि ये एक पोल ये दूसरा पोल घर के अंदर एक तीसरा एल टाइप पे यू टाइप पे ऐसे कर रही है। ये यानी कभी कह नहीं कि जैसे मजार गेट कांड हुआ, जब ये किसी मंडी किसी कंडे में अभी यानी हुआ है वहाँ पर ये स्पारिंग से कभी कांड हो सकती है। आप देंगे शिकायत? अभी मैं शिकायत देने के लिए आया। थैंक यू सर। आज जन सुनवाई में लगभग 18 केस आए थे जिसमें से हमने 9 केसेस अभी आज की तारीख में उनका डिस्पोजल किया है। बाकी केसेस के अंदर हमने उनको टाइम दिया है, वो विद इन 7 डेज उनको पूरा करेंगे। इसमें अधिकतर केसेस लाइन शिफ्टिंग के हैं, अपने मीटर में जो बिल ज़्यादा आ गया उसका है, एवरेज का, ऑडिट का, इस तरह के केसेस आए हैं हमारे पास, तो उनको नियमानुसार हम सॉल्व करेंगे। मदार सब स्टेशन किसी विद्युत कर्मी की भी शिकायत आई है? हाँ, वो एक रिटायर्ड कर्मचारी है हमारा जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनका कोई इंक्रीमेंट का कोई केस था वो नहीं हुआ है, तो उसको हमने डे टू डे बेसिस पर सुनवाई पर डाल दिया है। 2 दिन की छुट्टी है, उसको 7 तारीख को वापस बुलाया और उसको सॉल्व कर देंगे साथ।